हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टी टेक। गाइस, अगर आप विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को मल्टीपल विंडोज में स्प्लिट करके यूज कर सके, जिससे कि आप सभी विंडोज पर एक साथ नजर रख सकें, तो आप ये टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आप सभी लोगों का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी लोगों के मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं सुबह से इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब कमेंट्स में। हैप्पी टीचर्स डे के उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूं ये जानकर कि आप लोगों ने मुझ में एक टीचर की छवि देखी, एक शिक्षक के रूप में मुझे देखा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं और ये मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं आप सभी के मैसेजेस का रिप्लाई वहां पर दे पाऊं, और इस वक्त सभी के मैसेजेस का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के माध्यम से थैंक यू बोल रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार मुझे मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को सिखाता रहूं। और मेरी यही दुआ है आप लोगों के लिए कि आप भी कुछ ऐसा करते रहें कि आप दूसरों को सिखाते रहें और कुछ ना कुछ आप डेली सीखते रहें। तो मैनी मैनी थैंक यू गाइज एंड हैप्पी टीचर्स डे टू यू टू। तो चलिए गाइज, टॉपिक पे आते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को स्प्लिट करने की मल्टीपल विंडोज में। तो चलिए कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। काफी ज्यादा हेल्पफुल फीचर है, क्योंकि काफी ज्यादा मैंने स्टॉक ट्रेडर्स देखे हैं जो लगातार अपना सिस्टम ओपन करते ही मल्टीपल विंडोज में अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को डिवाइड करते हैं। एक स्क्रीन में उनको चाहिए स्टॉक चार्ट, एक स्क्रीन में चाहिए कहाँ पर उनको स्टॉक बाय करना है, सेल करना है, और एक स्क्रीन में चाहिए हाँ ठीक है जो भी उनको हिसाब किताब लगाना है, और चौथी स्क्रीन में उनको अपना जो भी टास्क करना है, इस तरीके के स्क्रीन मैनेजमेंट वो रखते हैं। और काफी सारे प्रोफेशनल भी देखे हैं जो मल्टीपल टास्क करते हैं, एक में जीमेल ओपन है, एक में एक्सेल ओपन है, एक में वर्ड ओपन है, और एक में नोट्स वो कर रहे हैं, ये सब चीजें ओपन है। तो मल्टीपल टास्क के लिए ये जो फीचर है काफी ज्यादा हेल्पफुल है। कैसे चलिए करेंगे इसको बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन सभी विंडोज को ओपन कर लेना है जिनको आपको मल्टीपल टास्क में इंक्लूड करना है, ठीक है, जिसको आप चाहते हैं कि एक स्क्रीन पे आप देख पाए। तो सपोज मैं ओपन कर लेता हूं, ये सपोज मेरी ट्रेडिंग वेबसाइट है जिसमें मैंने निफ्टी 50 ओपन कर रखा है फॉर स्टॉक चार्ट वगैरह जो भी मैं यहाँ पे ट्रैक करना चाहता हूँ उसके लिए। और एक सपोज मैंने वेबसाइट ओपन कर ली अपनी ही वेबसाइट जिस पर मुझे कुछ काम करना है या फिर जो भी मैं करना चाहता हूं, और एक सपोज मैंने गूगल ओपन कर लिया अगर मुझे कुछ भी सर्च करना है तो, ठीक है। इस तरीके से मैंने तीन विंडो यहाँ पे ओपन कर ली। और यहाँ पर विंडोज 11 की जो खास बात है और जिस फीचर की मैं बात कर रहा हूं वो आप देखेंगे, आपको जस्ट इस फीचर का यूज करने के लिए अपने माउस पॉइंटर को ले जाना है अपर राइट कॉर्नर में मिडल बटन पे, ठीक है, मिनिमाइज और क्लोज बटन के बीच में। तो ये जो बटन है स्प्लिट विंडोज का बटन है जो आपको ये फैसिलिटी देता है प्री डिफाइंड टेम्पलेट की, जिसमें आप मल्टीपल पार्ट्स में अपनी विंडोज को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फीचर अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, विंडोज 11 भी यूज कर रहे हैं और आपको ये फीचर शो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक सेटिंग यहाँ पे आप करेंगे अपने सिस्टम में। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, देन यहाँ पे सिस्टम टैब में यहाँ पे आपको मिलेगा मल्टीटास्किंग में जाएंगे, देन यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलता है स्नैप विंडोज का। स्नैप विंडोज आपका ऑन होना चाहिए, आप ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फीचर अब मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर आप भी यूज नहीं कर पा रहे तो आपका ये जो फीचर है वो ऑफ है, ऑन कर देंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया, अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूं, ठीक है। तो क्लोज करने के बाद अब आप जानते हैं कि मेरे पास यहां पे तीन विंडो ओपन है, तो मैं बार बार ऐसे ऊपर नीचे करके इनको यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि स्प्लिट करके इनको एक साथ वॉच कर सकूं, देख सकूं, लाइव देख सकूं, ठीक है। सपोज आप यहां पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से क्लिक भी नहीं करना आपको, जस्ट माउस पॉइंटर ले जाना है अपने पास, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। मेरे पास तीन विंडो है, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाली टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास तीन विंडो है, चार विंडो है तो इस तरीके से, दो है तो इस तरीके से, और दो को आपको 50-50 मार्जिन में आपको इस तरीके से ओपन करना, तो ये वाली आप विंडो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों विंडो को आपको लगातार लाइव देखना है, तो आप इस तरीके से ओपन करेंगे, तो जो विंडो आपकी ओपन होगी आपके पेज के सामने और जिस पर आप इस फीचर का यूज करेंगे वो आपकी प्राइमरी विंडो हो जाएगी, ठीक है। प्राइमरी मतलब जो आप सेक्शन यहां पर सिलेक्ट करेंगे उसमें प्राइमरी विंडो आएगी। जैसे सपोज मैं यहां पर ये वाला बॉक्स सिलेक्ट करता हूं, या फिर सपोज मैं चाहता हूं कि यहां पर गूगल सर्च आए, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, तो यहां पर मेरा गूगल सर्च आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास दो सेक्शन खाली है, अब आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, सपोज ये आपके सेक्शन में सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर ये बड़ी विंडो है, तो यहां पे सपोज मैं चाहता हूं कि आर्टिकल पढ़ पाऊं, तो ये वाला ये वाली जो विंडो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं इस तरीके से, और चौथी विंडो और तीसरी विंडो में ऑटोमेटिकली स्टॉक चार्ट यहां पे आ गया है जिसको मैं इस तरीके से देख सकता हूं। तो इस तरीके से मैं यहां पे वर्क कर सकता हूं, सर्च भी कर सकता हूं लाइक दिस,
ठीक है, तो और यहां पर अपना टास्क भी परफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, इसी तरीके से सपोज अब आपका 3 विंडो का टास्क हो गया है, आपको 2 विंडो में डिवाइड करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं लाइक दिस। आप 50-50 पार्टीशन में चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जिस पर आप क्लिक रखेंगे विंडो पर वो आपकी प्राइमरी विंडो होगी। सपोज मैं स्टॉक वाली विंडो पर क्लिक करता हूं और मैं इस पर होवर किया और 50 वाले में अब मैं चाहता हूं राइट हैंड साइड स्टॉक रहे इस तरीके से, और लेफ्ट हैंड साइड यहां पर आप जानते हैं यहां पर आपके पास ऑटोमेटिकली जो सेकंड विंडो है वो यहां पे आ गई। तो इस तरीके से आप स्प्लिट विंडो का यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल फीचर है, खास तौर से जो मल्टीपल टास्क लगातार करते हैं, लाइक अगर आप ऑफिस में भी वर्क कर रहे हैं तब भी काफी ज्यादा काम आता है। भाई मेल्स पे नजर रख सकते हैं, आपके सामने कोई लाइव नोटिफिकेशन आ रहे हैं उन पर नजर रख सकते हैं, नोटपैड ओपन खुला रख सकते हैं, काफी सारा टास्क आपका आसान हो जाता है स्प्लिट विंडोज की हेल्प से। आई होप कि जो वीडियो की जानकारी आपके काफी काम आएगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, एंड वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।